सो हेलो गाइस, तो कैसे हो सर? आई होप कि सारे बंदे अच्छे होंगे। तो गाइस, आ चुके हम और एक नए वीडियो के साथ वापस। तो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं मेरा एक बहुत ही शानदार गेम प्ले। तो जैसे गाइस, मैंने यहाँ पर भाई शेखर भाई यानी कि जो ग्रैंड मास्टर प्लेयर होते हैं ना, उनके साथ एक गेम खेला था। तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर का लॉबी था और यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हुआ गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पर भाई हम स्क्वाड मैच खेल रहे थे जिसमें हम शेखर भाई थे, मैं था और दिल भाई थे और स्पाइड भाई थे। और इसी तरह से भाई मैच भी शुरू हो गया भाई। फिलहाल तो देखा है तो शेखर है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने ग्रैंड मास्टर पुश के लिए, लेकिन आज भाई मेरे को एक कमाल का मौका मिला है उनके साथ गेम खेलने के लिए। तो मैं भाई ये मौका नहीं छोड़ने वाला, तो इसीलिए मैं शेखर के साथ चला गया गेम खेलने के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर भाई शेखर का मतलब तो ग्रैंड मास्टर लॉबी चल रहा है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल ग्रैंड मास्टर लॉबी पर हूँ। और यहाँ पर भाई पर्गेटरी मैप आया है और हम उतर रहे हैं ब्राज़ीलिया के जो अड्डा होता है, फायरिंग अड्डा, वहाँ पर उतरने वाले हैं। ठीक है, तो देखा है तो सिर्फ मैं यहाँ पर अकेले उतरने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा वाला किल यहाँ पर ले सकूँ। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ गन वगैरह लूट लेते हैं। तो यहाँ पर भाई अच्छा खासा गन तो मिल ही चुका है, लेकिन हमें एक शॉर्ट रेंज का गन चाहिए जो फिलहाल अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि हमें कुछ बैकअप मिल गया जैसे कि मेडिकेट वगैरह मिल चुके हैं और कुछ शॉर्ट रेंज गन चाहिए। ओके गाइस, यहाँ पर एक शॉर्ट रेंज मतलब वेक्टर, फालतू वेक्टर भी मिल गया और एक लेवल 2 का बैग भी मिल गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ टोकन वगैरह है, उसको भी हमें लेना है क्योंकि टोकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर भाई शेखर भाई आते आते भाई सबको कूटने शुरू कर दिया। ओके गाइस, सामने में मेरे आगे और पीछे दो दो बंदे गाइस, और यहाँ पर एक को हेडशॉट बच गया और वो डाउन हो गया और एक बंदा भी डाउन हो गया। शायद ये दोनों बंदे फाइट कर रहे थे और इन दोनों के बीच में आ गया मैं बलि का बकरा बना के इनको मैं ढो दिया गाइस। और इसी के साथ मेरा 2 किल यहाँ पर हो चुका है कंफर्म। तो भाई ग्रैंड मास्टर लॉबी पर खेल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ और यहाँ पर भाई अकेले भी हूँ, तो कोशिश करूँगा भाई सबसे बेस्ट गेम प्ले यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए गाइस। तो इसी के साथ गाइस शेखर भाई और उनके जो बाकी के स्क्वाड भाई, ओके गाइस, यहाँ पर और एक बंदे को भी मैं पेल दिया और आगे भी और एक बंदा है उसको भी करता। ओके, यहाँ पर स्क्वाड फाइटिंग चल रहा है गाइस, यहाँ पर दो स्क्वाड के बीच में जो फाइट चल रहा है, मेरे को यहाँ पर फ़ायदा उठाना है क्योंकि मेरे पास है स्कार, जो है जो पिंक कलर का स्कार होता है ना, डबल रेट ऑफ फायर का, क्या बोलते हैं ये, क्यूपिड स्कार। तो यहाँ पर क्यूपिड स्कार में, ओके गाइस, यहाँ पर शायद बॉस वगैरह भी आए हैं खेलने के लिए गाइस, क्योंकि ये बंदा भाई खड़े खड़े मेरे को मार रहा था, इसको मैंने हेड शॉट चिपका दिया और साथ ही मेरे को एक बोनस किल भी मिल गया गाइस। ओके गाइस, यहाँ पर भाई यहाँ तक मैंने भाई 6 किल तो कर लिया है गाइस, अभी तक यहाँ पर मैंने 6 किल आराम से कर लिया गाइस, लेकिन यहाँ पर और भी बंदे आ रहे हैं, इनको भी मैं हेड शॉट मारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मूवमेंट की वजह से भाई इनको हेड भी नहीं बज रहा है। ओके गाइस, इसको हेड तो नहीं बजा लेकिन ये डाउन हो गया। चलो अब बाद में इसका किल लेंगे, पहले देखते थे और कौन कौन बंदा यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा हाल पूछ लेते हैं, अगर उनका हाल बेहाल है तो उनको हम सीधा उठा ही लेंगे। और शेखर भाई और उनके स्क्वाड भाई लगे हुए हैं फाइटिंग में, नहीं कमाल के उनका भी फाइटिंग यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है कि कितने बंदे फेल रहे हैं। शेखर है तो मेरे को माइक पे बोल रहे थे कि भाई मेरे को बंदा ही नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे को यहाँ पर ब्राज़ीलिया में इतने ज़्यादा बंदे मिल रहे हैं भाई, सोने पे सुहागा। अच्छा सो ओके गाइस, और एक बंदा वहाँ पर, ओके इसको अच्छा वाला 115 का हेडशॉट बजा और ये भी डाउन हो गया, लेकिन ये साला हेडशॉट क्यों नहीं गया भाई, गुस्सा आ रहा है मेरे को भाई, मैंने तो 115 का डैमेज दिया लेकिन हेडशॉट नहीं बजा। लेकिन ये इस लूट बॉक्स से मेरे को एक फ़ायदा हुआ, मेरे को एक यूएमपी मिल गया गाइस। अरे भाई साहब, अभी यहाँ पर मेरे को भाई एक से मेरी मिल चुका है जिसमें भाई मेरे डबल रेट ऑफ फायर वाला स्किन है। और यहाँ पर भाई गाड़ी पकड़ के हम चलने वाले हैं शेखर भाई के पास। ओके, यहाँ पर और एक बंदा दौड़ रहा है, इसको हम गाड़ी से ही पेलेंगे। चलो गज्जा, ओके गाइस, यहाँ पर इसको एक बज गया है शॉट। ओके गाइस, पीछे और एक बंदा भी, अच्छा स्काइलर ले लिया था। ओके भाई साहब, मेरे को मार रहे हैं भोसड़ी के, मेरे को मार रहे थे, नहीं छोड़ूंगा साले तेरी भाई। वो बंदा, सामने वाला बंदा जो ग्लूअल, ग्रीन कलर का ग्लूअल पकड़ के खड़ा है, मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया गाइस। और एक किल भी कंफर्म हो गया, तो मेरा अभी टोटल 9 किल्स है गाइस। तो स्काइलर निकाल कर, ओके, अरे भाई बच जा भाई, अरे स्काइलर में आ रहा है लेकिन उसको मतलब अच्छा खासा डैमेज नहीं हुआ। और वहाँ से भी और एक बंदा मार रहा है, ओके ओके ओके, डाउन हो गया भाई एक बंदा और डाउन हो गया है। और उसके पास जाके मेरे को और एक बंदा उस पर मतलब वहाँ पर और एक बंदा था, उसको भी डाउन करना गाइस। ओके
मेरा स्क्वाड आ गया गाइस। यहाँ पर शेखर मेरे पास आ चुके हैं। शेखर बोले कि भाई राणा आज बहुत ही ज़्यादा किल कर रहा है, इसका किल हम चोरी करेंगे। चलो कोई ना शेखर आओ, यहाँ पर भाई सोने का सुहागा यहाँ पर हो रहा है, सोने पे सुहागा। ओके गाइस, शेखर वे बंदों को गाड़ी से पेल रहे। अच्छा तो यहाँ पर मेरा गाड़ी भी यहाँ पर साइड में रखा है। बीच में क्या हुआ पता नहीं चला, थोड़ा सा ग्लिच हो गया शायद। ओके इसी के साथ मेरा अभी हो चुका है 12 किल्स गाइस, 12 किल्स। अरे यार ये गाड़ी उठ नहीं रहा थी। ओके मेरे पीछे पीछे भाई स्पाइडी भाई भी आ चुके हैं। चलो स्पाइडी भाई को भी लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे स्क्वाड हैं, इसीलिए भाई स्पाइडी भाई भी आ गए। ओके गाइस यहाँ पर शेखर भाई देख सको गाइस हेडशॉट पे हेडशॉट मारते जा रहे हैं। चलो गाइस और भी बंदा हमको ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर 24 बंदे अभी भी अलाइव हैं और वो 24 बंदे को मेरे को ठोकना है। चलो गाइस कहाँ पर मिलेंगे और बंदे गाइस, ब्राजीलिया पे सबसे, ब्राजीलिया बोल रहा हूँ, पोर्गेटर मैप में सबसे ज़्यादा बंदे कहाँ पर उतरते हैं गाइस आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब खेलने जाऊँगा शेखर के साथ उसी जगह पर उतरूँगा और भाई अच्छे से बंदों को भेजूँगा। ओके भाई स्पाइडी भाई भी अपने गाड़ी की मदद से भाई पेल रहे बंदों को। ओके गाइस मेरे को भाई मेरा मिल गया मेरा धूम बाइक। तो गाइस यहाँ पर ना ये जो बाइक का स्किन है मेरे को भाई बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर ना जो एनिमेशन है इसका ओपी वाला एनिमेशन है गाइस। भाई बंदे नहीं मिल रहे, क्या करेगा इस, यहाँ पर भाई गाड़ी पकड़ के घूम रहा हूँ लेकिन बंदे नहीं मिल रहे। बस बंदे कहाँ चले गए आप बोलो यार, कहाँ बंदे मर गए सब, अभी भी 18 बंदे अलग है लेकिन मेरे सामने कोई नहीं आ रहा है। डर गए क्या सारे, मेरे को तो लग रहा है डर गए करके। ओके गाइस मैं अभी पूरा जोन सब जोन के पूरा पास हूँ, मैं थोड़ा सा दूर हूँ। हाँ ओके मेरे साइड में जोन चल रहा है गाइस, अभी मेरे को जोन के अंदर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो सारे बंदे भी नहीं मिल रहे। फिर से चलो गाइस ब्राज़ीलिया चलते हैं, ब्राज़ीलिया में अगर कुछ अच्छे बंदे मिलेंगे तो उनको भी पी लेंगे। अरे गाइस यहाँ ऊपर भी एक एरोप्लेन अटका हुआ है, हिल भी नहीं रहा। वो प्लेन का स्कैम हो गया। गाइस यहाँ पर अरे भाई ऊपर क्यों चला गया स्काइलर। ओके गाइस यहाँ पर एक बंदा दौड़ दौड़ के आ रहा है, ये शायद प्रो बंदा है इसलिए दौड़ दौड़ के आ रहा है, इसका मैं अभी खत्म करना हो गाइस। यहाँ पर दो दो हेडशॉट इसको बच गया और ये भी हो चुका है डाउन, इसका किल कंफर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेमेंट में बच गया इसको हेडशॉट, इसलिए कुछ अच्छा नहीं उसे नहीं देखने को मिला। ओके गाइस तो यहाँ पर हमारा 13 किलो। ओके गाइस यहाँ पर और एक बंदा आ चुका है मॉन्स्टर ट्रक पकड़ के, तो इसका पीछा करते हैं। ये बंदा अगर कहीं पर उतरेगा इसको हम पेल देंगे। तो ये घूम रहा है साला दिन भर, मतलब दिन में इसको क्या लाइट की जरूरत है भाई, दिन में लाइट लगा के घूम रहा है। ओके उतरा उतरा वो बंदा उतरा। ओके रिवाइव करने जा रहा है किसी अपने बंदे को, रिवाइव करने जा रहा है। ओके बेटा अभी तेरे को मारूंगा, रुक रुक साले रुक। ओसरी के कहाँ चुप गए भाई। ओके यहाँ पर गाड़ी के पास
तेरे को अब भाई ये शायद वही बंदा है क्या मेरे को जो मार रहा था? नहीं नहीं उसको तो मैंने हार दिया था। ओके गाइस इसको भाई मेरे भाई ये क्या ही डैमेज दे रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा जहरी डैमेज यहाँ पर दे रहे हैं मेरे को। और यहाँ पर सेकरा भी डाउन हो चुके हैं, मतलब मर खत्म हो चुके हैं, उनको भी रिवाइव देना है तो ये भी मिशन भी हो जाएगा। हो गया गाइस सेकरा भी रिवाइव हो चुके हैं। और यहाँ पर भाई ये बंदा को भी मैंने ख़त्म कर दिया एमपी 40 की मदद से। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा नाम आ चुका है एमपी 40 के, मतलब एमपी 40 से मारने के बाद मेरा नाम यहाँ पर शो कर रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अरे यार मैंने ही मारा है भाई, कोई दूसरा नहीं मारा, मैंने ही मारा एमपी 40 की मदद से। चलो गाइस यहाँ पर मैंने शेखर को ही बचा लिया और साथ में 14 बंदों को भी खेल दिया, लेकिन यहाँ पर मेरा भाई बहुत ज़्यादा ग्लोबल वेस्ट हो गया। कोई ना भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी बड़ी बातें होती रहती है गाइस। अभी फिलहाल 8 बंदे अलाइव हैं, यानी कि मेरा स्क्वाड और अपोनेंट में और कोई दूसरा स्क्वाड हो सकता है, या फिर भाई दो या फिर दो भी हो सकते हैं, या फिर सोलो 4 बंदे हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो भी हो भाई हमें इसको बुया करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा पूरा स्क्वाड भाई अलाइव है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे को भाई मेरे स्क्वाड के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने स्क्वाड के पास चला जाऊँगा तो मेरा टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो मेरे को कोई छू भी नहीं पाएगा। चलो गाइस यहाँ पर कहाँ गए मेरे स्क्वाड, तो चले जिस लाइन की मदद से चलते हैं मेरे स्क्वाड के पास, क्योंकि मेरे को जल्दी से पहुँचना है अपने स्क्वाड के पास। तो गाइस मेरा ये ओके, यहाँ पर और कोई अलाइव हो गया भाई, कोई रिवाइव यहाँ पर हो गया है शायद। देखो गाइस यहाँ पर 8 अलाइव था, अभी 11 अलाइव है। चलो अभी और भी मजे लेने वाले, क्योंकि हमें और भी एक्स्ट्रा किल भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल 14 किल हुआ है, और बंदे दिख जाएंगे तो उनको ही पेल देंगे, हमारा थोड़ा सा किल ज़्यादा बढ़ भी जाएगा। ओके गाइस यहाँ पर एक सामने एक बंदा दौड़ रहा है। ओके गाइस इस पर बहुत ही तगड़ा हेडशॉट लगा है और डाउन भी हो चुका है गाइस, इसका टीममेट यहाँ पर है, उनको भी ढूंढ के मेरे को मारना है। पहले तो इसको भी ख़त्म कर लूँ। ओके इसके टीममेट को अभी ढूंढना है मेरे को, कहाँ पर छुप के बैठे होंगे साले। अरे सालो निकलो गाइस, कहाँ मर गए बाकी इसके बाकी के टीममेट्स, कहाँ मर गए भाई? जल्दी से ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत लेट हो जाएगा। अरे भाई 4 नंबर स्पाइक भाई जोन के बारे क्या कर रहे हो, जल्दी आओ यार जोन में डैमेज मत करवाओ। ओके शायद गाइस यहाँ पर पहाड़ के ऊपर शायद बैठ सकते हैं ये बंदे, तो इनको क्या करना है पहाड़ के ऊपर जाके इनको पेलना है। ओके सेखरा यहाँ पर किसी को पेल दिए हैं, एक के 47 उनका नाम आया, शायद ऊपर बंदे। अभी भाई 4-8 लगे, मतलब 4 हम तो एक 4 बंदे रह गए, और तो सोलो पीस है शायद यहाँ पर, क्योंकि एक बंदा मर गया अभी, तो सोलो पीस है या फिर दो पीस भी हो सकते हैं, या फिर ट्रियो बंदे भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। चलो पहले पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं या फिर मेरे स्क्वाड के पास चले जाते हैं, लेकिन मेरे को आज कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर 15 किल उठा लिया गाइस। और आज ओके यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है और उसको तगड़ा वाला हेडशॉट भी बच गया, और ये डाउन भी हो चुका है, और उसका टीममेट कहाँ पर होगा उसको ही ढूंढना होगा। चलो इसका टीममेट कहाँ पर मिलेगा उसको, ओके यहाँ पर देख सो गाइस यहाँ पर दौड़ रहा है बंदा, घर के अंदर चला गया बैकअप लेने, तो इसके पास जाते हैं, इसको एमपी 40 से पहलेंगे। ओ गाइस यहाँ पर सेकर भाई आ चुके हैं, उनको भी किल चाहिए करके। ये शायद वो ऊपर नहीं है, ओके ये छोड़ देते सेखर उसको मारेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ऊपर वाले को बंदे को मार दें, क्योंकि सेखर को ज़्यादा मतलब बंदे तो नहीं मिले, इसलिए वो किल भी नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए किल छोड़ देते हैं, तो वो किल करेंगे और हम दूसरे बंदे को फेलते हैं। ओके गाइस यहाँ पर हो चुका है गाइस भूजिया। तो गाइस आई होप कि आपको ये गेम इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो डेफिनेटली गाइस इंटरेस्टिंग गेम को लाइक कर देना और भाई शेयर भी कर देना, क्योंकि भाई मैं सेकरे के साथ खेला हूँ, जो बहुत ही अच्छी बात है, और मज़ा ही आ गया सेकरे के साथ गेम खेलकर। तो आप भी अगर खेलना चाहो तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके लिए भी कोशिश करूँगी कि आप भी जाके सेकरे के साथ जैसे भी खेल पाओ। तो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।